माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि टिकी एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिला होगा कि कितनों के प्रोफाइल के पीछे, मतलब कि प्रोफाइल के चारों तरफ एक दोस्तों बैच देखने को मिला होगा कुछ इस तरह का। तो ये बैच दोस्तों 3 प्रकार का है और ये बैच लगाने से दोस्तों आपके अकाउंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर इस बैच का मतलब क्या है, तो आपको इस वीडियो में पूरी इसकी जानकारी देने वाला हूं। कैसे आप इस बैच को अपने प्रोफाइल के पीछे लगा सकते हो, मतलब कि आप खुद के अकाउंट पे लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि टिकी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, टिकी पे वीडियो देखते हो, तो आपका डाटा बहुत ही खर्च होता है। क्या करना चाहिए जिससे आपके डाटा की बचत हो, आपका डाटा कम खर्च होगा, तो वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एंड और साथ में ये भी बात करेंगे कि टिकी एप्लीकेशन पे आपको किस टाइम पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए जिससे आपके वीडियो पे ज्यादा व्यू जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि आप ये बैच अपने प्रोफाइल पे कैसे लगा सकते हो, तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको करके दिखा दे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे प्रोफाइल के भी पीछे मैंने वो बैच लगा दिया है, तो मैंने लगा दिया है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे अपने प्रोफाइल पे लगा सकते हो। तो इसके लिए तो आपको मेरा अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। आपको सर्च करना है Sujay01, उसके बाद आपको मेरा अकाउंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करना, अभी मैं दूसरे का प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। उसके बाद क्लिक करना, आप जैसे मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, गेट नाउ का, ठीक है। गेट नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गेट नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 अवतार आपको देखने को मिल जाएगा, 3 बैच आप इसे अपने अकाउंट पे लगा सकते हो। तो ये वाला बैच मैंने अभी लगाया है, तो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, इसलिए कैंसिल। तो अभी यहाँ पे आपका स्टार्टअप करने का दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टअप करने का दिखाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है, बस आपके अकाउंट पे ये लग जाएगा। लेकिन 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 गाइज, स्टार्टअप जब दिखा रहा है तो जैसे यहाँ पे स्टार्टअप पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो स्टार्टअप पे क्लिक इस पेज पे आ जाओगे। वहाँ पे स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बोलेगा आपको स्टार देने के लिए, आपको अपने फेवरेट क्रिएटर को, जो आपके फेवरेट है उन्हें आपको स्टार सेंड करना है, आपके प्रोफाइल पर वो लगेगा। मैं 6 स्टार सेंड किया था यहाँ पे किसी एक को, तो मेरे अकाउंट पे वो बैच लग गया था। आप भी अपने फेवरेट क्रिएटर को यहाँ पे स्टार सेंड करोगे, जैसे ही 6 या फिर 10 स्टार सेंड करोगे तो आपके प्रोफाइल पे वो वाला लग जाएगा। लेकिन वहाँ पे स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद अभी मेरे पास 3 स्टार जैसे कि आप देख सकते हो है। आपके पास कितने स्टार है तो आप सेंड कर सकते हो अपने फेवरेट क्रिएटर को। सेंड करने के लिए आपको करना क्या है, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे स्टार्टअप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको भी आपको सेंड करना है तो बस आपको स्टार्टअप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 कर देना है स्टार्टअप, एंड मेरे पास 3 है तो जैसे ही मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्टार्टअप हो जाएगा। तो मेरा यहाँ 3 स्टार जो था मैंने इनको सेंड कर दिया, तो आप देख सकते हैं मेरा स्टार्टअप 0 हो चुका है। तो ये तो आपके प्रोफाइल पे लग गया, अब इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा दोस्तों मैं बता दूं कि फायदा आपको यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, आपके अकाउंट पे कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों। बस ये टिकी का एक नया अपडेट है, नया फीचर है दोस्तों, जिसे आप यूज कर सकते हैं, जिसे आपका प्रोफाइल दूसरे के प्रोफाइल से हट के दिखेगा। तो बस इसी के लिए ये दिया गया है और ज्यादा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक प्रोफाइल पे भी बहुत सारा इस तरह का बैच लगाने को मिलता है, तो उसी तरह का सेम दोस्तों ये बैच है, ये टिकी की ओर से मिला है, जिसे आप अपने अकाउंट पे लगा सकते। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपका डाटा ज्यादा खर्च होता है टिकी एप्लीकेशन को यूज करने में, तो आप उसे कम कैसे कर सकते हो, अपने डाटा की बचत कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको करके दिखाते हैं। टिकी एप्लीकेशन ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 4 पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डाटे की बचत करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मी के ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल ओपन करना है एंड इसके बाद आपको 3 डॉट का ऊपर आइकन देखने को मिला, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा वीडियो क्वालिटी का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑटो पे अभी होगा, जैसे कि इस तरह से ऑटो पे अभी होगा, तो आपको डाटा सेवर पे कर लेना है। तो आप जैसे ही डाटा सेवर पे कर लेंगे तो यहाँ पे जो टिक है डाटा सेवर पे लग जाएगा। इसके बाद आपको बैक चल जाना है। अब दोस्तों आपका जो डाटा खर्च होगा आपके मोबाइल का, वो दोस्तों कम खर्च होगा पहले की अपेक्षा, मतलब पहले जितना ज़्यादा खर्च होता था उसकी अपेक्षा आप कम खर्च होगा। इस तरह से आप अपने डाटे की बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि टिकी एप्लीकेशन पे हम किस टाइम पे वीडियो अपलोड करें जिस टाइम पे हमारे वीडियो पे ज्यादा व्यू जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई स्पेशल टाइम नहीं है जिस टाइम पे आपके वीडियो पे ज्यादा व्यू जाएंगे और उस टाइम पे आप अपलोड कर दो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। बस मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप इस टाइम पे वीडियो अपलोड करोगे तो उस टाइम आपके वीडियो पे ज्यादा व्यू जाएंगे। किस टाइम पे? उस टाइम पे आप सभी को वीडियो अपलोड करने हैं जिस टाइम पे ज्यादातर लोग मोबाइल को यूज करते हैं, वैसे एप्लीकेशन को यूज करते हैं, मतलब कि जिस टाइम पे टिकी एप्लीकेशन को बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो अब तो ये आप पता नहीं कर सकते कब टिकी एप्लीकेशन को ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कब कब लोग ज्यादातर मोबाइल पे एक्टिव रहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, रात में 11 बजे के बाद सब लोग कम मोबाइल को यूज करते हैं, तो 11 बजे के बाद आपको वीडियो अपलोड नहीं करनी है एंड सुबह में आपको 7 बजे से पहले कभी भी वीडियो अपलोड नहीं करनी है। 7 बजे के बाद आपको वीडियो अपलोड करनी है एंड बेस्ट टाइम है वीडियो अपलोड करने का, तो सुबह 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक दिन में आप उस टाइम पे वीडियो अपलोड करोगे तो आपके वीडियो पे ज्यादा व्यू जाएंगे। अब आपको शाम में जब वीडियो अपलोड करनी है तो शाम को आपको 5 बजे के बाद ही वीडियो अपलोड करें, 5 बजे से 11 बजे तक शाम को आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है एंड आपका डाउट या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।